जय हिंद दोस्तों, मातरम। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। मैदान को रिलीज टलते 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 कहते हैं 4 साल से भी ज्यादा हो चुका है। क्यों इतनी टली, इस बारे में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर है, तो उस बारे में हम लोग बात नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई, क्योंकि आज की तारीख में हम एक ऐसी ऑडियंस को देख रहे हैं जो ऑडियंस एक अच्छी मूवी को बिल्कुल अप्रिशिएट करती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बारहवीं फेल जैसी मूवी इतनी बड़ी हिट नहीं बनती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्लैश के कारण जो थोड़ा बहुत नुकसान बच सकता था वो भी हो गया, ना सिर्फ मैदान को बल्कि बड़े मियां छोटे मियां को भी। अब अगर हम आरोप प्रत्यारोप की बात करने के लिए जाएंगे तो बहुत बातें होंगी कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, बहुत बातें होंगी। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नुकसान दोनों ही मूवीज को हो गया है। मैदान से उम्मीद थी कि ये शायद ठीक ठाक कलेक्शन निकालेगी, बट पब्लिक ने इसको भी नकार दिया। और बड़े मियां छोटे मियां तो अपने आप में मतलब एक बड़ी केस स्टडी बनने जा रही है कि आखिर 350 करोड़ रुपए की मूवी में VFX कहां थे। दोनों मूवी का कलेक्शन जो है 4 दिनों का और 5 दिनों का सामने आ गया। मैदान का 5 दिन के इसलिए क्योंकि पहले दिन पेड प्रीव्यूज रखे गए थे, उसका कलेक्शन भी हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, हालांकि उसको Day 0 गिन रहे हैं। तो ऐसे में जो कलेक्शन निकल कर आया है वो मैदान का काफी कम है। संडे होने का भी इस मूवी को बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं है, थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिला, मैं ये नहीं कहूंगा फायदा नहीं मिला, बट उतना फायदा नहीं मिला जितना कि संडे होने के बाद में एक मूवी को मिलना चाहिए था। एंड दैट सेम थिंग गोज विद बड़े मियां छोटे मियां 2। दोनों ही मूवी संडे को एक्सपेक्टेशन से कम पब्लिक देखकर आई है। बात करते हैं जरा कलेक्शन की, कैसा क्या कलेक्शन रहा है। सबसे पहले मैदान के कलेक्शन की बात करें तो मैदान का जो 4th दिन का कलेक्शन है उसमें एक बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिली, बट उसके बावजूद भी इसका कलेक्शन 6.25 करोड़ का रहा। सैटरडे को एक 109% की ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया था इसने। फ्राइडे के मुकाबले ज्यादा किया था, फ्राइडे को 2.75 करोड़ हुआ था। ऐसे में अब तक का मैदान का अगर हम टोटल कलेक्शन निकाले तो वो पहुंच चुका है करीब 21.85 करोड़ रुपीज, 21 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए मान लीजिए, 22 करोड़ रुपए इस मूवी का कलेक्शन पहुंच चुका है। 90 करोड़ रुपए मैदान का टोटल बजट बताया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो जो तीन दिनों का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन गया था वो 23 करोड़ गया था। अब इसमें आप 4th दिन का कलेक्शन जोड़ दें 23 करोड़ के ऊपर, तो ये करीब करीब 30 करोड़ मतलब 32-33 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जा चुका है। ये सूरत हाल इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं मैदान के। अजय देवगन की इस मूवी की अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी मतलब ऐसी नहीं गई जिसको के लेकर आप ये कह सकें कि भैया बहुत शानदार गई है, मजा ही आ गया। ऑक्यूपेंसी इस मूवी की गई है सिर्फ 22.87%, और ये संडे की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि मॉर्निंग शोज में 12.48% की रही, आफ्टरनून शोज में 29.04%, इवनिंग शोज में 31.36% एंड नाइट शोज में 18.61% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। मतलब पहला संडे था इस मूवी का, उसको देखते हुए ये ऑक्यूपेंसी वाकई में काफी कम है। प्लस जो पॉजिटिव रिव्यूज इस मूवी को लेकर आए थे उसके सामने तो ये और भी ज्यादा कम। बड़े मियां छोटे मियां की वहीं अगर हम बात करें तो बड़े मियां छोटे मियां को भी एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने के लिए मिली संडे को, बट स्टिल उसने उस स्टार पावर को मैच नहीं किया जो कि बड़े मियां छोटे मियां में कास्ट करी गई। 9 करोड़ रुपीज का कलेक्शन हुआ इसके संडे को अर्ली एस्टिमेट्स में। टोटल इंडियन नेट कलेक्शन इसका पहुंच गया 40.75 करोड़ कलेक्शन। इन टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 73 करोड़ के आसपास का हो चुका है। इसका बजट 350 करोड़ है। यह मूवी कैसे 350 करोड़ में से 100 करोड़ कमाएगी, ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनती जा रही है। इसके सामने अगर हम बड़े मियां छोटे मियां की ऑक्यूपेंसी की बात करें, बड़े मियां छोटे मियां की ऑक्यूपेंसी भी लगभग मैदान जितनी गई है, 20.63% की गई है। यहां पर मॉर्निंग शोज की 10.53 गई, आफ्टरनून शोज की 24% गई, इवनिंग शोज की 29% गई है और नाइट शोज की 18.28% गई। कहने को कई लोग कह सकते हैं यार ओके ओके है, बट आप जिस बजट की बात कर रहे हो उस बजट के सामने ये ऑक्यूपेंसी एक बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर है। मतलब आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस आई थिंक यू आर नॉट गुड इन नंबर्स। ये एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, संडे था, दो बड़ी मूवीज थी, क्लैश था, बट क्लैश एक ऐसा क्लैश हुआ जिसमें कि दोनों ही मूवीज फेल हो गई। ऐसा मूवमेंट बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बट यहां पर किसी ने किसी का पैसा नहीं खाया, दोनों ही मूवीज अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल धरातल के ऊपर पड़ी हुई है।
क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में भाई, कमेंट करके बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।